हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, तो आज हम आपका अगला लेसन जो है 18 नंबर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अ पेयर, इस लेसन को कैसे करना है, इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसको सीखेंगे बच्चों। तो आई होप आपने बच्चों इसके पहले के जो भी लेसन है आपने प्रॉपरली प्रिपेयर किए हैं, और इसके आगे के भी लेसन दिए गए हैं बच्चों आपको वीडियो लेसन, वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कैसे करने हैं, आपके सारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर होंगे बच्चों। तो चलिए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे जो लेसन दिया गया है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन अ पेयर, मीन्स यहाँ पे आपको एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ये पेयर में आएगा बच्चों, दोनों एक साथ आएंगे। तो इसको कैसे डील करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो इसको अब हम समझेंगे। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी दी गई है आपको, ए में दिया गया है काउंट द ऑब्जेक्ट, राइट द एडिशन एंड द कॉरस्पॉन्डेंट टू सब्सट्रैक्शन। तो हमें एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का कॉरस्पॉन्डेंस एक दूसरे के साथ कैसा है उसे अभी हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं और उसका जो हमारा कॉरस्पॉन्डेंस होगा, मीन्स जो नंबर्स के ऑपरेशंस होंगे, ये यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। तो पहले आपको करके दिया है, कैसे किया है वो अभी हम समझेंगे। अभी बच्चों यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिए गए उसके जो नंबर्स है वो यहाँ पे लिखे देखिए कैसे 1 2 3 4 5, ये जो ऑब्जेक्ट है ये 5 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आए ये 1 2 3, ये 3 ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे आए। तो दोनों मिला के कितने हुए बच्चों, देखिए 5 + 3 8 हुआ। तो अभी 8 के साथ अगर हम 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 5। और अगेन अगर हम 8 से 5 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 3। तो ये कैसा है बच्चों, देखिए बड़ा नंबर जो आता है आपका, वो बड़ा नंबर आप उस बड़े नंबर से कौन सा भी एक छोटा नंबर चूज़ करेंगे और उसको माइनस करेंगे तो बचा हुआ नंबर आपका आंसर आएगा। वैसे ही यहाँ पे हुआ है, बड़ा नंबर 8 था, 8 में से 5 को माइनस किया तो आपका आंसर आया 3। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 और 6 स्टार्स है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख लिए हैं, यहाँ पे 2 स्टार है 1 और 2, तो यहाँ पे टोटल कितने हुए बच्चों, 6 + 2 हुए 8। तो अभी क्या करेंगे हम इसका सब्सट्रैक्शन करने के लिए, जो बड़ा नंबर है हमारा 8 आया हुआ, इसे यहाँ पे लिखा और उसमें से एक उसमें से दोनों में से कौन सा भी एक नंबर लेके हमने माइनस किया, तो 8 - 2 कितना आया बच्चों, 8 - 2 = 6 आया। उसके बाद फिर से अभी हमने वही बड़ा नंबर लिया, उसमें से दूसरा जो हमारा एक नंबर बचा था उसको भी माइनस करके देखा, तो 8 - 6 तो कितना आया, 2। तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे, तो बड़ा नंबर जो होता है उसमें से कोई भी एक नंबर अगर आप लेस करते हैं तो उसका बचा हुआ नंबर आपका आंसर होता है बच्चों। ओके, अभी नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको आइसक्रीम दिखाई दे रहे हैं बच्चों, तो कितने हैं इसे हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 कितने हुए, 7। ओके, 5 6 7, ये 7 नंबर यहाँ पे आया, ये बचा हुआ 1 है, तो दोनों मिला के कितने हुए, 7 + 1 8 हुए। तो अभी सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमने एक पहले रूल समझा कि अगर हमें सब्सट्रैक्ट करना हो तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ा नंबर लिखेंगे, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो 8 आपका आएगा ये इस बॉक्स में, पहले बॉक्स में, और उसमें से हम माइनस करेंगे, कोई भी एक नंबर को लेंगे और उससे माइनस करेंगे, तो 8 - 1 = हमारा आया 7। तो 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7। उसके बाद सेकंड जो दिया गया है वैसे ही हम करेंगे, बड़ा नंबर लेंगे 8, उसमें से कोई भी हमारा जो दूसरा नंबर है वो लेंगे, उसको माइनस करेंगे, तो 8 - 7 तो आंसर आया = 1, तो आंसर आया 1। तो नेक्स्ट वैसे ही सॉल्व करना है बच्चों। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 फ्लावर्स कितने हैं, यहाँ पे 5, और ये फ्लावर्स कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 फ्लावर्स हमारे यहाँ आए यहाँ पे, दोनों मिला के कितने हुए, 9। तो यही 9 ये हमारा यहाँ पे नंबर आए, ये टोटल फ्लावर्स कितने हैं, 9। तो अगेन हम वही प्रोसेस करेंगे बच्चों, बड़ा नंबर आगे लेंगे, पीछे माइनस करेंगे, एक कौन सा भी नंबर लेंगे, उससे बचा हुआ नंबर जो माइनस करके जो बचा हुआ नंबर है वो हमारा आंसर आएगा, 9 - 5 = 4 आया। उसके बाद सेकंड में हमने कैसे किया, 9 - 4, तो 9 में से अभी पहले 5 को माइनस किया था, अभी हम 4 को माइनस करेंगे, 9 - 4 = 5, तो 5 हमारा आंसर आया बच्चों।
तो यहाँ पे भी जो लास्ट वाला आपको दिया गया है वो कैसे सॉल्व करना है इसको अभी हम समझेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, ये सर्कल में आपको 41 नंबर दिया है और यहाँ पे बोला है फिल इन द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में हमें फिल करना है नंबर, तो कैसे करना है तो देखिए 41 कैसे बना, ये नंबर 41 नंबर कैसे बना, तो 12 और 29 दोनों मिला के नंबर हमारा होता है 41। तो 41 देखिए यही नंबर हमने यहाँ पे लिखे 29 प्लस 12, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 41। तो इनका दोनों का एडिशन आया हमारा 41। और ये 41 जो है उसमें से अगर हम 12 को माइनस करेंगे, 41 माइनस 12 इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 29। और अगेन दूसरी स्टेप में अगर हम 41 में से 29 को माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा 12। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आपको समझ में आया गया कि टोटल नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर हम लेस करते हैं तो उसके बचा हुआ जो नंबर होता है वो उसका आंसर होता है। बच्चों आई होप ये आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। बच्चों अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट पेज की ओर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है सेम नंबर्स वैसे दिए गए हैं, 79 दिया गया है। तो 79 नंबर कैसे बना, तो 45 प्लस 34 बना, इससे कौन सा नंबर बना हमारा 79। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, 45 प्लस 34, ये दोनों को मिलाएंगे, 79 हुआ। तो यहाँ पे क्या आया हमारा बड़ा नंबर जो 79 है वो यहाँ पे आया, माइनस किया हमने एक नंबर को 34 को माइनस किया, तो हमारा बचा हुआ नंबर हमारा आंसर आया इज इक्वल टू 45। तो 79 माइनस 34 इज इक्वल टू 45, तो ये हमारा आंसर आया। उसके बाद 79 माइनस 45, तो हमने अभी क्या किया, अभी हम पहले हमने 34 को लिया था, अभी हम 45 को लेंगे और माइनस करेंगे 79 में से। 79 माइनस 45 तो हमारा आंसर क्या आएगा इज इक्वल टू 34, तो ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट जो दिया गया बच्चों देखिए 93 जो नंबर दिया गया है वो कैसे बना 93, तो 41 प्लस 52 ये दोनों मिलाकर हमारा जो नंबर बनता है वो होता है 93। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 41 प्लस 52, तो दोनों का सेम नंबर हमारा आएगा 93। तो 93 में से अगर हम 41 को माइनस करेंगे, 93 माइनस 41 तो इज इक्वल टू हमारा 52 आंसर आया। उसके बाद फिर से 93 को बड़े नंबर को हम पहले लेंगे, माइनस 52 को हमने इस नंबर को इससे माइनस किया, तो हमारा आंसर आया 41। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बोला है मेक वन एग्जांपल ऑफ योर ओन लाइक द अबव एंड सॉल्व इट। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, आपको खुद से एक नंबर लेना है, एग्जांपल लेना है और उसको सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं और उससे ये सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन कर सकते हैं। ओके तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले बच्चों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए बच्चों, क्योंकि आपको ऐसे ही बेनिफिशियल लेक्चर्स वीडियो मिलने वाले हैं। और आपको इस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जैसे कि जो भी वीडियोज़ अपलोड हो वो आप तक पहुँच जाए। तो बच्चों चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। 30 कैसे बना हमारा 30 नंबर, तो मैंने यहाँ पे 30 लिया, आप कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन ये समझने के लिए आसान किया है 30 नंबर लेके। ओके तो 30 नंबर लिया, तो 30 कैसे बना, 20 प्लस 10, ये दोनों मिला के बन गया 30, 20 प्लस 10 हो गया 30। अभी 30 बड़ा नंबर हम आगे लेते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, 30 नंबर पहले लेंगे, माइनस उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे, तो 20 माइनस किया इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 10। उसके बाद 30 लिया, 30 में से माइनस किया हमने एक नंबर को, 10 को माइनस किया, तो हमारा आंसर आएगा 20। ओके तो ये नंबर इसलिए आपको छोटा लिया कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप ऐसे ही कोई भी नंबर लेके ऐसे सम आप अपने आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गया बच्चों देखिए, समीर हैज़ 15 बॉल पेन्स, सम ऑफ देम आर ब्लू एंड रिमेनिंग 6 आर रेड, एंड हाउ मेनी ब्लू बॉल पेन्स डज ही हैव। तो यहाँ पे समीर नाम का एक लड़का है, उसके पास टोटल जो है 15 बॉल पेन्स है और उसमें से कुछ ऐसे पेन है जो ब्लू है और जो बाकी के 6 है वो रेड है। तो वो जो बाकी के जो ब्लू है, मीन्स जो कुछ जो ब्लू कलर के बॉल पेन है उसे हमें फाइंड करना है कि वो नंबर एग्जैक्टली कितना है। तो क्या करना है हमें,
ये टेबल बना लेता है, उसमें टेंस आएगा, यूनिट आएगा बच्चों, तो टोटल नंबर जो है पहले के लिए लिख लेते हैं। बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 15 आया, उसमें से हमें 6 रेड को माइनस करना है, तो 6 बॉल पेन यहाँ पे लिखे 6 नंबर, तो ये 15 में से 6 गया, हमारा बचा 9। ओके, तो ये 9 बचा बच्चों, तो ये कैसे आया बच्चों, तो यहाँ पे 15 है, 15 में से 6 को माइनस किया तो हमारा 9 आंसर आता है। तो जो उसके पास, समीर के पास जो ब्लू पेन थे वो कितने थे, 9 थे। तो यहाँ पे 15 क्या हुए हमारे टोटल पेन्स हुए, रेड क्या हुआ, रेड बॉल पेन हुआ, और 9 जो है वो ब्लू बॉल पेन्स हुए। सो समीर के पास अभी कितने बॉल पेन्स है, ब्लू पेन्स है, सो ही हैव अ 9 ब्लू पेन्स। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आया बच्चों। तो आई होप बच्चों ये आपको प्रॉपरली समझ में आया है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ये आपने सुना ही होगा बच्चों। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग बच्चों। अगर आपने इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब है तो ज़रूर के लिए कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। आपको सारे वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन करने के लिए बिल्कुल देर मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए बच्चों, तो इसके आगे के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। ओके, चलो बाय बच्चों।